अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी तो दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बाहर जाने की कर रही थी तैयारी, अपने प्रेस कर रही थी कपड़े, और वाइट कॉटन के कपड़े, ओ माय गॉड, प्रेस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो उनको मैंने स्प्रे शे करके रखा हुआ था, जब तक मैं अपने जल्दी जल्दी प्रेस कर रही थी। तो वाइट प्रेस करने के बाद जी हस्बैंड साहब कहते हैं मुझे स्काई ब्लू चाहिए, मुझे स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनने, फिर मुझे दोबारा फिर से प्रेस करने पड़े। बहुत मुश्किल काम है कसम से, मर्दों के जो है कॉटन के कपड़े प्रेस करना। तो वैसे अमूमन तो ये प्रेस करवा लेते हैं, या जल्दी कहीं जाना था तो फिर घर पर मैंने जल्दी जल्दी से प्रेस कर लिया, क्योंकि वहाँ पर एक दो घंटे पहले देने पड़ते हैं, फिर प्रेस होकर आपको मिलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था, हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम था जो हम कर रही थी वेट, एंड देन हम उनसे मिले। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड और उनकी चल रही है कन्वर्सेशन काम के हवाले से। तो मैं बैठ के जो है बस मोबाइल यूज़ कर रही थी, और थोड़ी सी मैंने उस टाइम बना ली वीडियो, उनकी नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बैड मैनर्स, कोई नहीं भी पसंद करता इस तरह वीडियो बनाना, तो मैंने नहीं बनाई। देन हम वापस आ गए। अच्छा, वापस हम घर नहीं आए, हम गए कहाँ जी, बैरिया, बैरिया फेस मेरे ख्याल से 4 या 5, मुझे फेस का नहीं पता कौन सा, लेकिन हाँ बैरिया टाउन सिविक सेंटर में। यहाँ पे एक बड़ा फेमस जो है रेस्टोरेंट है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसका नाम है मंजू। उनको बहुत पसंद है क्योंकि वो अरेबिक है, तो अरेबिक रेस्टोरेंट है, तो वो सऊदीया से रह के आए हैं, तो उनको वहाँ का खाना बहुत पसंद है। तो उनके साथ में आइए, मंजू पे पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे ऑर्डर, यहाँ पर इसमें सारा कुछ ना अरेबिक में लिखा हुआ था, अरबी में सारा। ये देखें, मंदी शेखुल अरब, मंदी दजाज, मतलब पता नहीं क्या क्या हमने क्या ऑर्डर किया। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया ऑर्डर, हमें जो चाहिए था, फिर हम जो है ना मैं बैठ के ये सारा पढ़ रही थी कि इसमें क्या क्या है, सिर्फ अरबिक और इंग्लिश में लिखा हुआ है, और कुछ इसमें टर्किश भी डिशेज हैं, टर्किश पिज़्ज़ा और वहाँ की भी कुछ फेमस चीज़ें हैं। तो अच्छा है, काफ़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें सारी जो है ना सऊदी डिशेज़ ज़्यादा है। सॉरी मिस्टेक होगी। अच्छा, तो ये जी मैं अभी बैठ के टाइम पास कर रही थी जब तक आता है हमारा ऑर्डर, क्योंकि जब ऑर्डर देते हो ना फिर टाइम नहीं गुजरता, बहुत वेट करना पड़ता है, वो टाइम ज़्यादा लगता है। कॉकटेल ट्राई करो तो। ये पहले हमने मंगाए थे ड्रिंक्स, वो आ गए मेरी स्मूथी और उनका शेक, मुझे शेक नहीं चाहिए था। अच्छा, मेरे वाले पे कब्जा कर लिया, मुझे शेक नहीं चाहिए था, मैंने पहले ही बोला था। हम यहाँ पार्सल कर रहे थे क्योंकि स्मूदी में मेरे मंगाई थी, शेक में हस्बैंड मंगाया था। ये आ चुका है हमारा ऑर्डर, ये देखिए। अच्छा, इसमें फ्राइज़ हैं, चिकन है, और ये जो ऊपर है ये कोई अरेबिक अचार था कुछ ना, और ये शवारमा टाइप कुछ था, लेकिन बहुत मज़े का, काफ़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन सीरियसली बहुत मज़े का, बहुत यम्मी है। खा पी के जो है हम आ चुके हैं बाहर वापस, अभी जाना मेरा हाथ खाली नहीं है, खोलो। अच्छा, मैं मेरा होता है ना कि हमेशा कोई न्यू जगह ट्राई करें, न्यू रेस्टोरेंट में खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बस जो दो चार चीज़ें पसंद हैं वो कहते हैं कि बस बार बार वही खाते हो। अब इतनी बार मेरे साथ ही मंजू ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा अब मुझे भी नहीं इतना अच्छा लगता, क्योंकि मैं एक बार एक चीज़ बार बार नहीं खाई जाती। मेरा ये होता है कि न्यू रेस्टोरेंट ट्राई करें, नई जगह का खाना खाएँ, न्यू मतलब कुछ इस तरह का ना, तो लेकिन उनको बिल्कुल भी, वो कहते हैं नहीं, जो खाते हैं जो अच्छा लगता है उसी को बार बार खाते रहो। तो ये हम आ चुके थे जी घर, रस्ते से हमने लिया था कुछ फ्रूट्स, एंड नेक्स्ट डे दोबारा हमें वहीं जाना था क्योंकि हमें काम था, क्योंकि लास्ट डे हम गए थे तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस थे, हम नहीं लेके गए, नहीं पता था, तो देन नेक्स्ट डे दोबारा हम गए। अच्छा देखें, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना कि लड़कियाँ जो है डेली कहीं जाती हैं, ड्रेस चेंज करती हैं, जूते ड्रेस सब, और मर्दों का सेम सूट, उसी सूट में जो है ना पता नहीं कितने दिन गुजार लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने ड्रेस चेंज नहीं किया, मैं नेक्स्ट डे सुबह जब गई दोबारा उस ड्रेस में, कहता ये सही है, थोड़ा सा काम है, मैंने कहा तो क्या हो गया। अच्छा, ये लड़कियों में होती है ये चीज़ है ना, ये मुझे लाजमी आप भी बताइएगा। और फिर जी हम काम से निपटा के वापस आए, क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे तो नाश्ते का टाइम था, वापस घर आके नाश्ता करना था, फिर रस्ते से लिए ब्रेड, अंडे और दूध वगैरह कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो लिए, क्योंकि हम सुबह गए थे तकरीबन 10:30 बजे, तो 11:30 घंटे के अंदर हम वापस आ गए थे, तो ये कुछ सामान लेना था, कि आज का नाश्ता जो है ना 12 बजे ही होता है, तो भूख लगी हुई थी इस टाइम, तो फिर मैंने ये दो सैंडविचेस लिए थे।
एंड देन हम आ चुके हैं घर। मेरा हर्षम यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। वो शहजादी को शादी कहती है ना, तो वो मुझे बुला रही थी कि मैं कार्टून देख रही हूँ। हर्षम साहब से दरवाजा ही नहीं खुल रहा यहाँ। तो ये हम आ चुके हैं फ्रेंड्स घर। आई होप कि आपको ये मेरा टिड्डा जहा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग जो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो हाँ जी, हर्षम जो आ रहा था ट्यूशन, उसके सर पे बाल नहीं है टिंडा, लेकिन उसको कंघी करवानी थी, तो मैं उसके सर पे कर रही थी कंघी उनको ट्यूशन पे। इसके फिर ही हमारे सामने वालों के घर से आए थे चावल, बहुत मज़े के पुलाव बना हुआ था, ये हमने ट्राई किया। और अच्छा, अच्छे पड़ोसी हो ना तो ऐसे बिरयानी चावल सारी चीज़ें आती रहती हैं, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।